जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से मैं लगातार, आप लोग बार बार मुझे यहाँ बुला रहे हैं, लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं जी। मैं केवल इतना आपको कहूँगा कि हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ लगभग एक सप्ताह 10 दिन के बाद, तो पिछली बार से हमारी स्थिति बहुत बेहतर होती है और हम काफ़ी बेहतर तरीके से सारी जो देश में जो तकलीफ़ है कोरोना वायरस के कारण, उस पर हमारा जो है और बेहतर कंट्रोल होता है। पिछले सप्ताह जब मैं आया था उसके मुकाबले जो है हर चीज़ में हमारे जो पैरामीटर्स हैं, आंकड़े हैं, मान लीजिए डबलिंग रेट की ही बात करें तो अगर पिछले 14 दिन का 9.5 था, पिछले 7 दिन का 10.6 हो गया और आज 3 दिन का जो है वो 11.67 के करीब हो गया, यानी कि लगातार इसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मोर्टैलिटी रेट हमारा जो है वो कोई 3.1-3.2 इस प्रकार से आज करीब 7,500 जो मरीज़ हैं वो ठीक होके, शायद अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 7,797 मरीज़ जब मैं अभी यहाँ आया तो मैंने चेक किया वो ठीक होकर पूरी तरह से घर में जा चुके हैं। रोज़ शाम को मैं रिव्यू करता हूँ कि आज देश में कितने लोग वेंटिलेटर पर हैं, कितने लोग ऑक्सीजन पर हैं और कितने लोग जो है वो हमारे आईसीयू के बेड में हैं। तो आज भी शाम को डाटा मैंने रिव्यू किया तो सिर्फ 0.37% लोग वेंटिलेटर पे हैं, 0.37, और 1.5% जो है लोग सिर्फ ऑक्सीजन की उनकी रिक्वायरमेंट है और सिर्फ 2.37% जो है लोग उनको आईसीयू बेड की ज़रूरत है, जो मैं समझता हूँ कि जितने 30-31 हज़ार मरीज़ देश में एडमिट हुए उसके अंदर बहुत ही, और यहाँ तो आईसीयू के जो है सबसे बड़े देश के डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो इंटेंसिव केयर के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट हैं मेदांता के, वो इसके ऊपर कमेंट ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो कुल मिला के जितने भी पैरामीटर्स पर हम विश्लेषण करते हैं 300 से के करीब ज़िले जो हैं वो नॉन अफेक्टेड हैं, आज 300 के ही करीब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नॉन हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं और 128 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको हम हॉटस्पॉट एरियाज़ कहते हैं, जहाँ की समझ लीजिए कि 15 या उसके आसपास या उससे ज़्यादा जो है केसेस हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो मैं हर बार कहता हूँ कि तकलीफ़ कहाँ पर है, बीमारी कहाँ पर है, ये सारे देश को अच्छी तरह से पता है। खाली ये हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं, देश भर में हमारे सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को, हमारे सभी जितने भी फील्ड में स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं सबको सब कुछ पता है और कहाँ पर हमें हॉटस्पॉट में किस प्रकार से उस बीमारी को वहाँ कंटेन करने के लिए क्या क्या काम करना है, वो सारे काम हमें पता है और वो सारे काम हम कर रहे हैं। उनकी डिफरेंट लेवल्स पर मॉनिटरिंग हो रही है, सुबह शाम उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। अभी दिल्ली के अंदर मान लीजिए हम बैठे हैं तो अभी हमने कल सारे दिल्ली के जो है सारे हॉटस्पॉट्स का, लगभग यहाँ दिल्ली में भी 96-98 के करीब, 98 के करीब हॉटस्पॉट्स हैं, सबका हम लोगों ने डिटेल विश्लेषण किया। यानी एक एक स्टेट लेवल पे भी हम लोग इस प्रकार का विश्लेषण करते हैं। प्रधानमंत्री जी के लेवल पे सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग होता है। हम लोग अपने मंत्रालय के अंदर डेली जो है सारे जो एक कोर ग्रुप के अंदर पूरे देश की हर छोटी से छोटी चीज़ का विश्लेषण शाम को बैठ के करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि देशवासियों को फिर से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो उनको छोटी छोटी बातें जो है गाइडलाइंस के रूप में दी जा रही हैं, अभी प्रधानमंत्री जी ने इतनी महत्वपूर्ण बात कही है, बड़ी साधारण सी बात है, 2 गज की दूरी मेंटेन करने की बात की है। प्रधानमंत्री जी इतने शानदार कम्युनिकेटर हैं कि उन्होंने जनता की भाषा में, सारा देश तो गाँव में रहता है, गाँव वालों की भाषा में हमको समझा दिया कि भाई 2 गज की दूरी बना के रखो तो स्वस्थ रहोगे। अब ये खाली एक 2 गज की दूरी ही जो है, मैं समझता हूँ 2 गज की दूरी और घर के अंदर रहने का काम जो है, और छोटी मोटी जो हर बार हम कहते हैं भाई हाइजीन की बातें जो है, हाथ वाथ धोना और इसको
मास्क को लगा के रखना, यही हमारे को जो है पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है। इसलिए बार बार वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि जो आपको सजेस्ट किया जा रहा है उसको गंभीरता से पालन करिए, उसमें कोताही मत करिए, उसको लाइटली मत लीजिए। देखिए ये जो लॉकडाउन वगैरह है इसके बारे में, इसके लाभ के बारे में तो देखिए कोई अब डाउट नहीं है कि इसके कारण जो है देश को बहुत लाभ हुआ है, और हम लोगों ने सही समय पर प्रधानमंत्री जी ने इसको जो है लॉकडाउन को एनफोर्स किया देश में काफ़ी बड़ी संख्या में मेजॉरिटी लोगों ने इसको रिस्पेक्ट भी किया, इसका पालन भी किया, उसके कारण जो है बीमारी के ट्रांसमिशन को बहुत बड़े पैमाने पे हमें रोकने में सफलता मिली। सारे दुनिया के आंकड़े और भारत के आंकड़े जो है उनको कंपेयर कर लीजिए तो सारी चीज़ स्पष्ट रूप से नज़र आती है। प्रधानमंत्री जी 4 बार जो मुख्यमंत्रियों के साथ जो है कर चुके हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अभी रिसेंट 2 दिन पहले उन्होंने किया है। अभी वो सारे देश की स्थिति का पूरा विश्लेषण करते हैं, पूरा डिटेल्ड फीडबैक्स लेते हैं, और आपने देखा कि पीछे भी 20 तारीख से उन्होंने ग्रेजुअली जो जो क्या क्या रिलैक्सेशंस देनी है उसके बारे में चिंतन करके और उसके बाद निर्णय किए। तो मैं समझता हूँ कि अभी अगले 3-4 दिन में जो उन्होंने सारे फीडबैक्स लिए हैं उसके बाद वो एक्सपर्ट्स के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, स्टेट्स को भी उन्होंने एक फ्रीडम दिया कि वो अपनी ओपिनियन को फॉर्मुलेट करें। इसके बाद देश के लोगों को हम इतना कहना चाहते हैं कि जो आपके सबके व्यापक हितों में होगा, देश को कोरोना के वायरस के प्रकोप से बचा के रखना ये हम सबका धर्म है, कर्तव्य है, उसको पालन करने में या उसके संदर्भ में कोई भी निर्णय लेने में, और हम प्रधानमंत्री जी को जानते हैं कि देश हित में जनता के हित में अगर कोई उन्हें कठोर निर्णय लेना हो तो वो भी उन्होंने कभी जो उनका जो प्रधानमंत्री के रूप में 6 साल का जो कार्यकाल है उसमें ऐसे अनेक अवसर आए हैं, कठोर से कठोर निर्णय उन्होंने लिए हैं, लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा है कि जान भी इम्पॉर्टेंट है और जहान भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो बहुत बैलेंस्ड वे में सारी चीज़ों का फैसला किया जाएगा और जो भी फैसला होगा वो देश के सामने आएगा निश्चित रूप से, उसमें किसी की एक मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन का कोई महत्व नहीं है, सबकी हमारे यहाँ सामूहिक वर्किंग है, सामूहिक ओपिनियन प्रधानमंत्री जी पूरे देश से लेते हैं, फेडरल सिस्टम है, और उसके बाद एक्सपर्ट्स से चर्चा करके फैसला करते हैं, आपको कम्युनिकेट इनको किया जाएगा। बाकी इन्होंने कहा कि भाई दूसरा सवाल जो पूछा कि कब तक ये ख़त्म हो जाएगा, सामान्य जिंदगी कब से शुरू होगी, सामान्य जिंदगी धीरे धीरे शुरू होगी, हम लोग दिन प्रतिदिन बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी भगवान से प्रार्थना भी ये है, आप सबके साथ हमारी आपके लिए कामना भी ये है, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हम धीरे धीरे एक बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक ना एक दिन हमें बहुत जल्दी ही इसके अंदर एक अच्छी प्रामाणिक सफलता मिलेगी। बाकी वायरस तो देखिए ऐसा है कि ये कोई वायरस दुनिया से तो समाप्त नहीं हो सकता कभी भी, अभी तो 2 ही वायरस समाप्त हुए हैं, मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया से चेचक को हम समाप्त कर पाए हैं या पोलियो को समाप्त कर पाए हैं, बाकी वायरस तो जब आते हैं शुरू में वो अपना प्रकोप दिखाते हैं, बाद में सेटल हो जाते हैं, फिर दूसरी बीमारियों की तरह समय समय पर जो है वो थोड़े बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं, उसका इलाज डॉक्टर साहब इसने तो पूरी दुनिया को डराया। अब ठीक है, अब उसने वायरस ने दुनिया को डराया इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन पहले भी ऐसे वायरसेस जो है आए हैं, स्मॉल पॉक्स ने कितने मिलियंस ऑफ लोगों को जो है दुनिया के अंदर तकलीफ दी थी, पोलियो के कारण जो है कितने लाखों बच्चे जो है अपंग हुए, अपाहिज हुए, ऐसा नहीं वायरस जब भी आया जो भी आया, इबोला का वायरस आया था जब उसने कितने लोगों की जो है दुनिया के अंदर उनको तकलीफ दी, भारत में हम लोगों ने उसको घुसने नहीं दिया 2014 के अंदर। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हटाना कोई ज़्यादा मुश्किल फैसला है, हमें ग्रेडेड वे में किस प्रकार से चीज़ों को करना है उसके लिए हर चीज़ को गंभीरता से स्ट्रैटेजी बना के अपनाना चाहिए। अगर लॉकडाउन का दूसरा जब चरण शुरू किया गया तो आपने देखा 3-4 दिन के बाद ही 20 तारीख से बहुत सारी चीज़ों को रिलैक्स किया गया, तो धीरे 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 करके सरकार जो है इकोनॉमी के बारे में भी चिंता कर रही है, और बिना लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाले हम कैसे धीरे धीरे इसका जो एग्जिट प्लान है वो भी बहुत गहराई से उसके ऊपर चिंतन हो रहा है, और इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी कुछ सरकार करेगी सब बातों का एक संपूर्ण ध्यान और ज्ञान रखकर उसके बाद फैसले करेगी। देखिए मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूँ कि जनवरी में जब हमने इस कोरोना वायरस से युद्ध प्रारंभ किया, लड़ाई जंग इसको मैं कहता हूँ, पहले दूसरे हफ्ते के अंदर जनवरी में देश में एक लैबोरेटरी थी,
आज जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप ही के अलग अलग प्रोग्राम्स में मैंने क्या क्या समय समय पे कहा उसको जरा वापस निकाल के देखिएगा, तो इस समय 280 से ज़्यादा हमारी सरकार की लेबोरेटरीज, 97 से ज़्यादा हमारी प्राइवेट सेक्टर की लेबोरेटरीज, 16,000 से ज़्यादा हमारे कलेक्शन सेंटर्स, और आज अभी मैं अगर कल का डाटा देखूं कि कल हमने देश भर में कितने टेस्ट किए, तो हमने लगभग 55,000 टेस्ट एक दिन में किए, 60,000 की अभी हमारी कैपेसिटी हो गई है टेस्ट करने की, और 1,00,000 तक हम 31 मई का हमारा टारगेट है कि 1,00,000 तक हम रोज़ टेस्ट करने वाले हैं। तो बहुत एक्सपेंशन किया है, शायद अभूतपूर्व एक्सपेंशन किया है। ये फिर याद दिलाना चाहता हूँ, ये टेस्ट आज से कुछ साल पहले करने के लिए हमारा सैंपल अमेरिका जाता था CDC अटलांटा के अंदर, आज हमने इस 3 महीने में इतनी बड़ी, नक्शे पे देखेंगे तो नक्शे पे भारत के हर जगह पे आपको ये लेबोरेटरी दिखाई देगी। और ये सिंपल टेस्ट नहीं है, इसमें बायो हैजर्ड्स होते हैं, जो करने वाले हैं उनके लिए बहुत सारा खतरा होता है, वायरस का समाज में फैलने का खतरा होता है, लेबोरेटरी में इतनी सारी प्रिकॉशंस ली जानी चाहिए। तो अपनी अभी 5-6 घंटे के अंदर टेस्ट की रिपोर्ट आती है, लेकिन स्वाभाविक है कि हम टेस्ट जिसको ज़रूरी होना है उसमें कोई कमी नहीं कर रहे हैं, उसके वेल डिफाइंड क्राइटेरिया हैं। हम एनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि जहां ज़रूरत है तो टेस्ट को कराने में कोई किसी तरह का संकोच मत करिए। देखिए, ऐसा है कि जो लॉकडाउन है ये सबके हित के लिए ये व्यवस्था की गई है, और ये थोड़ी बहुत जो टेम्परेरी जो मामूली, जैसे ये कष्ट क्या है, कष्ट इतना ही है ना कि भाई अभी मैं अपने माँ बाप के पास नहीं हूँ। मान लीजिए कॉलेज वो खुला होता, मेडिकल कॉलेज खुला होता, तो वो वहाँ आखिर पढ़ रहे होते, तब तो वो अपने माँ बाप के पास ना रहे होते। लेकिन अभी उनके माँ बाप के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी, और उनकी खुद की भी जो कोटा में उनके साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये लॉकडाउन की व्यवस्था है। अब लॉकडाउन जिस समय हुआ तो बहुत सारे लोग, हर एक आदमी तो अपने घर में नहीं था, बहुत सारे लोग नौकरी के कारण बाहर रहते हैं, दूसरे प्रांतों में रहते हैं सब। तो अभी मैं समझता हूँ कि उस डिसिप्लिन को अगर हम सब मिलके थोड़ा दिन फॉलो करेंगे, इसके लिए एकदम रेस्टलेस नहीं होंगे, डेस्परेट नहीं होंगे, तो हमारे सबके हित में है। अब वो तो मेडिकल स्टूडेंट है, वो स्वयं डॉक्टर है, वो बच्चा तो मेरा ख्याल से उसको तो ज़्यादा कुछ समझाने बताने की ज़रूरत नहीं, वो मुझे लगता है बच्चे को ये पिताजी जो है अपने प्यार मोहब्बत से ज़्यादा डिस्टर्ब करते होंगे, वो बच्चा शायद इतना नहीं परेशान होगा जितने कि ये परेशान होंगे। उसको तो अपने कोटा में मेडिकल कॉलेज में, उल्टा कोविड के इस समय पेशेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उसको सीखने का मौका मिल रहा है। उसको जो है पिताजी को अपने बेटे को कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा अपने अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सीखने का तुमको कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, और ज़्यादा जो है सेवा भाव से जो है ऐसे मेडिकल स्टूडेंट या ऐसे इंटर्न डॉक्टर जो भी जिस लेवल पर भी तुम हो, अपना जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर करो, और बाकी समय में जो है इसको पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो, अपनी और अच्छी तरह से पढ़ाई करो। कोविड के बारे में इतनी जनरल जर्नल्स में इतनी नई नई बातें आ रही हैं, उनका अध्ययन करो, इस प्रकार से समय को व्यतीत करो। और सभी के ऊपर ये लागू होता है, जो लोग घर में इस समय, जिनको कहा जा रहा है घर में रहो, तो इस समय उनको किताबें पढ़ना, अच्छी अच्छी नॉलेज गेन करना, इतने प्रकार की ये तो फैसिलिटी है, इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह लेना चाहिए। नहीं देखिए, अभी औपचारिक तौर पर तो कहीं कोई गया नहीं है, कोई एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह पे, इसके बारे में जब भी निर्णय होगा तो वो सारी व्यापक जो बातें हैं उनका ध्यान करके होगा कि कहीं पे जो हमें देश में जो अपनी स्वास्थ्य की व्यवस्था को कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में जिसको सुरक्षित रखना है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा 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 सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यार कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात। देखिए, जो अभी आपने शुरू से देखा कि जो बीमारी है एक दूसरे से ये बहुत नज़दीक से रहने से हम ट्रांसफ़र करते हैं जी, और इसलिए जब कोई भी पॉजिटिव केस आता है या कंफर्म होता है तो हम उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स करते हैं, और वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स इस प्रकार से करते हैं कि मैंने शायद आपके पुराने प्रोग्राम में भी बताया कि जो हमारा पहला दूसरा तीसरा केस आया था जो चाइना से बच्चे आए केरल वगैरह में, एक तीसरे शायद पेशेंट के 162 कॉन्टैक्ट्स हमको ट्रेस करने पड़े, यानी चाइना में से चलकर कलकत्ता के हवाई अड्डे तक, कलकत्ता के हवाई अड्डे से बेंगलोर के हवाई अड्डे तक, बेंगलोर से कोची तक,
इसके बीच में दो होटल्स, दो ट्रेन्स, टैक्सियां, पर्सनल गाड़ी, सारे जगह पे सीट पे कौन, यानी रेलवे स्टेशन पर भी कौन कौन लोग थे करके 162 लोगों को ट्रेस करना पड़ा, क्योंकि कहाँ कहाँ बीमारी मान लीजिए फैल सकती थी जी। और उसके बाद उन लोगों को ट्रेस करना इसलिए ज़रूरी है इसमें कि उनको हमको सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन में रखना है। अब ये व्यवस्था जब आप ये हमारे देश में बहुत प्रभावी ढंग से की जा रही है, सर्वेलेंस के अंदर भी जो है आज भी 9-10 लाख लोग सर्वेलेंस में है, शुरू से बाकायदा कम्युनिटी सर्वेलेंस बहुत पावरफुल ढंग से किया गया। और मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो जो ये इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम है बहुत रॉबस्ट है, लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी का युग है, प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लिया इस आरोग्य सेतु ऐप के बनाने के अंदर, जो हमारी आईटी मिनिस्ट्री है उसने, हमारे पीएमओ के ऑफिशियल्स ने, सबने मिलकर इस ऐप के अंदर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, अगर मान लीजिए सारे देश के लोग इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो फिर जो है आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है, तो हम हमारे आसपास कौन कौन लोग हैं, अभी मान लीजिए हम चार लोग हैं और चार लोगों में एक के पास कोई किसी कारण से तकलीफ होती है, और अगर तकलीफ डिटेक्ट होती है तो फिर शायद ये ऐप हमको ये गाइडेंस देने में सक्षम होगा कि कौन कौन संभावित लोग जो है मेरे नज़दीक में आए हो सकते हैं, या मेरे नज़दीक में कोई ऐसा भी आएगा जो शायद संभावित पॉजिटिव है या पॉजिटिव है या क्वार, तो उसके बारे में ऐप जो है उसके अंदर हमको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, हम सचेत हो सकते हैं, सावधान हो सकते हैं। अब उसकी जो है बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ को इस्तेमाल करके ये ऐप जो है बनाया गया है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तब फ़ायदा होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फ़ोन में ये होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सारे देश के अंदर जो लोगों का एक दूसरे के साथ जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की दृष्टि से उसका महत्व है। अभी ये रोज़ डाटा चेंज होता है, मेरे ख्याल से अभी शायद काफ़ी हो गया, 7-8 करोड़ के करीब था 2-3 दिन पहले, अब ये आज कितना है एग्जैक्ट ऑनेस्टली मैंने आज चेक नहीं किया, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अधिक से अधिक लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं। और मेरा फिर आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से अपील है कि सब लोग जो है इसको देश में ऐप को डाउनलोड करें, ये आज कोरोना की दृष्टि से भी और आने वाले भविष्य में हमें बीमारियों के संदर्भ में और बहुत इफ़ेक्टिव कंट्रोल करने के लिए, सर्वेलेंस के लिए, इन सब चीज़ों में हमारे को ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। जी, तीन बातें आपने अभी पूछी है। देखिए, जो पहली बात है कि जो अस्पताल में नॉन कोविड के मरीज़ गए और अगर उनको इलाज वगैरह उनको डिनाई किया गया, तो ये जैसे ही हमारे थोड़ा बहुत संज्ञान में आया, इसको हम लोगों ने बहुत सख्ती से लिया। आपको शायद मैंने पिछले कार्यक्रमों में भी बताया कि हमने सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को, सारे डायरेक्टर्स को, सबको बुलाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमने डिटेल्ड राइटिंग में भी इंस्ट्रक्शंस दिए कि इस समय पे कोविड की वजह से कोई भी हमारा नॉन कोविड जो गंभीर पेशेंट किसी भी रूप में है अस्पताल के अंदर आता है जी, उसको आपको ट्रीटमेंट किसी तरह से भी डिनाई नहीं करना है। और एक भी अगर हम लोगों को शिकायत मिलती है, हम आए दिन हमारे अभी अगर कोई ऐसा कर रहा हो अगर, तो अभी अभी भी देखिए अभी अभी मैं मतलब अभी नाम नहीं लेता मैं स्थानों का, लेकिन जहां हमारे को शिकायत मिली, हम अभी आपके प्रोग्राम के थ्रू भी हम ये दर्शकों को कहना चाहते हैं कि अगर आपके साथ किसी भी अस्पताल में इस नाते कोई दुर्व्यवहार होता है या आपको जो है इग्नोर किया जाता है, तो आप हम लोगों को इन्फॉर्म करिए। हम लोगों ने जो है ट्विटर के नाते, हम लोगों ने अभी अभी देखिए आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोगों ने जो है कोविड इंडिया सेवा शुरू की है, जिसमें ट्विटर के साथ मिलके लोग हमारे को उसके ऊपर इन्फॉर्म करते हैं, हम रात को 12 बजे भी उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हमें जानकारी मिलती है, हम तुरंत जो है अस्पतालों को बात करते हैं, हम कहते हैं भाई दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। एक बात ये हो गया। दूसरी चीज़ यह है कि ये जो पेशेंट्स को वहाँ जाना ना पड़े, इसके लिए डॉक्टर साहब ने भी कहा हमने जो टेलीमेडिसिन है
ये एक तरह से मैं समझता हूँ पोस्ट कोविड या कोविड में जो मैंने एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की बात की, ये नेचुरल रिफॉर्म जो है ना ये हमारे सिस्टम में हो रहे हैं हर एक पेशेंट के लिए। शायद अस्पताल में जाके जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी इतने ज़्यादा लोग लाइन में लगते हैं, अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने एक प्रक्रिया जारी की है कि भाई आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट करिए कि हम दिखाना चाहते हैं, वहाँ का हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट या प्रोफेसर उनको फ़ोन करके बात करता है और उनको एडवाइस दे देता है। बहुत सारी चीज़ों में आपको टेलीफोन पे भी एक मोटी मोटी एडवाइस दी जा सकती है। टेलीमेडिसिन हो रहा है आज, ये कांटेक्ट करके जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में सारे देश के डॉक्टरों के साथ कांटेक्ट सिस्टम डेवलप हुआ है कि भाई डॉक्टर आनंद मोहन जैसे जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी एडवाइस भी जो कोविड का ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहे हैं उनको जो है मान लीजिए मिले। ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है, इस नाते हमने चिंता की है। और वो डिजिटल जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर फार्मेसी को भी हमने परमिट किया है कि वो उस डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाई को घर पर जो है वो डिलीवर कर सकता है। तीसरा एक और एस्पेक्ट था, आपने शायद आखिर में क्या पूछा, एक और बात इसी के साथ पूछी आपने, दो चीज़ें और मेरे को तीसरी बात अभी आपने तीन इस जी मैंने तीसरी बात ये कही थी कि जो जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो हाँ प्राइवेट अस्पताल के हाँ यस यस देखिए मैंने इसको ये मुझसे कई बार सवाल ये पूछा गया है, आई डोंट नो कि प्राइवेट अस्पताल ये क्यों कर रहे हैं कि कोई भी आदमी जो प्राइवेट अस्पताल में आ रहा है उसको वो सबसे पहले, क्योंकि कोविड का टेस्ट किसका होना है इसकी बड़ी स्पष्ट गाइडलाइंस है। और मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि आप अगर कोई आपके पास आ रहा है और आप हर एक को कह रहे हैं कि आपका टेस्ट होना चाहिए, तो फिर प्राइवेट अस्पताल के अंदर रोज़ 3000 एम्प्लॉयज़ आते हैं, 2000 एम्प्लॉयज़ आते हैं, हर रोज़ वो बाहर से होके आते हैं, जगह जगह से आते हैं, तो उनका फिर हर रोज़ आप टेस्ट करें, मतलब किसी भी चीज़ में कोई रेशनल या लॉजिक ज़रूर होना चाहिए। इस नाते प्राइवेट अस्पतालों को भी इस दिशा में अपने सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ चिंतन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है कि हर एक आदमी जो प्राइवेट अस्पताल में किसी भी बीमारी को लेकर जाएगा उसका आप पहले कोविड का टेस्ट करिए। फिर टेस्ट आज आपने किया तो ज़रूरी नहीं है आपका टेस्ट आज पॉजिटिव आएगा, आपको बीमारी हो सकता है मिल चुकी हो लेकिन टेस्ट हो सकता है पाँचवें सातवें दिन पॉजिटिव आएगा। तो ये सारी चीज़ें तो डॉक्टरों से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं समझता है, तो प्राइवेट अस्पताल वाले भी अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए हम इसको एकदम वाजिब नहीं समझते। प्राइवेट अस्पताल वालों को भी जो है हर एक आदमी को दे शुड नॉट सब्जेक्ट एवरीबॉडी फॉर ए कोविड टेस्ट, उसके लिए कोई कोविड के सिम्टम्स हैं या कोई जो क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है तो आप जितना मर्जी टेस्ट करिए वो आवश्यक है। हम टेस्ट को डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, 2000 टेस्ट करते थे आज 55000 टेस्ट रोज कर रहे हैं और 1,00,000 टेस्ट रोज करने का हम जज्बा रख रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मंत्री जी क्या कहना है? देखिए खाली मुंबई नहीं, सारे देश में सभी प्रांतों में और विशेषकर सभी हॉटस्पॉट्स में बहुत पैनी निगाह हमने केंद्र से रखी हुई है। यहाँ से वरिष्ठतम अधिकारी हम लोगों ने मुंबई के अंदर भी, पुणे के अंदर भी, इंदौर के अंदर, जहाँ जहाँ हमारे इवन अहमदाबाद वगैरह में जहाँ जहाँ हमारे बड़े हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर सीनियर मोस्ट लोगों को हमने वहाँ भेजा है हैंड होल्डिंग के लिए, सहायता के लिए, कहीं पे भी कोई उसमें गैप्स हैं उन गैप्स को और फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, कहीं पे कोई रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स की कमी है उनको डेवलप करने के लिए। अभी हमने देश के 10 एम्स को और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस को और बड़े पैमाने पे अभी 3 दिन पहले हमने ड्यूटी उनको दी है कि आप खाली अपने इंस्टीट्यूशन में काम ना करिए, जैसे दिल्ली का एम्स है इसको हमने कहा पूरी दिल्ली को अब आप जो है प्रोएक्टिवली जो है जिम्मेदारी लेके जो है एक एक हॉटस्पॉट में जाइए और हॉटस्पॉट में कहीं पर भी गैप्स हैं, तो हमने इस नाते मुंबई को भी हम उसी तरीके से डील कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने देखिए कही कि कोई रिपोर्ट छपी, हमारे भी ध्यान में आया था कि कोई टेलीविज़न चैनल ने वहाँ पे बिना किसी का नाम लिए, मुझे शायद नासिक से फ़ोन आया किसी का कि ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर टीवी चैनल बिना किसी को कोट किए, बिना किसी का नाम लिए, बिना कोई रेफरेंस दिए कह रहा है कि यहाँ लाखों केसेस होने वाले हैं। अभी देखिए एक महीना पहले एक विदेश से डॉक्टर आए थे, उनका भी कई टेलीविज़न चैनल्स पे इंटरव्यू लिया था, मैंने अभी दोबारा से उसको इंटरव्यू को सुना, उन्होंने अप्रैल के महीने में कहा कि भारत में करोड़ों केसेस हो जाएंगे। अब ऐसा है कि ये कोई पैनिक फैलाने की ज़रूरत नहीं किसी को, ना पैनिक के अंदर आने की ज़रूरत है। देश के लोगों को मेरा ये कहना है कि बीमारी आई है, जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी, आप सिर्फ सावधानी बरतिए
अपनी सरकार पर विश्वास करिए, अपने स्टेट के लीडर्स पर विश्वास करिए, अपने डॉक्टरों पर विश्वास करिए, अपने स्वास्थ्य कर्मियों पर विश्वास करिए, सर्वेलेंस ऑफिसर्स पर विश्वास करिए। सब लोग पूरी कमिटमेंट के साथ आपकी उससे रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, कोरोना के खिलाफ जंग में हमको पूरी सफलता मिलेगी। मुंबई के अंदर भी थोड़ी सी धारावी वगैरह इस इलाके के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कठिनाई आई है, लेकिन कठिनाई भी नॉलेज में है, वहाँ की सरकार भी प्रयास कर रही है। हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश, उनसे मेरी बात होती है। हमारे एनसीडीसी के जो चीफ हैं डॉक्टर सुजीत सिंह, उनकी डेली जो है सुबह शाम बात होती है, हर रोज़ मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। इसलिए पूरे प्रयास सरकार की तरफ से हो रहे हैं, जैसे बाकी देश में स्थिति सुधरेगी वैसे वहाँ पर भी धीरे धीरे सुधर रही है। देखिए ऐसा है कि बराबर अगर अभी आपको मैं डाटा अगर बताऊं तो समझ लीजिए कि जैसे इतने 80 के करीब मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां की मान लीजिए 7 दिन से कोई केस नहीं आया, ऐसे ही मान लीजिए 48-50 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां 14 दिन से कोई केस नहीं आया, ऐसे ही करीब 36 डिस्ट्रिक्ट्स लगभग हैं जहां 21 दिन से, मतलब ये डाटा रोज चेंज होता रहता है, इसलिए मैं उस डाटा को बार बार बोलता नहीं, क्योंकि जब मैं शाम को बोलता हूँ तो अगले 2 घंटे बाद नया डाटा आ जाता है। इसलिए बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ही जो है 28 दिन से करीब 18-19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो लगातार हमारी जो कोशिश है ये हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है देश के डिस्ट्रिक्ट्स को। एक रेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको हम हॉटस्पॉट्स का डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, एक ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको हम जो है नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, एक ग्रीन जोन में है डिस्ट्रिक्ट जिनको नॉन अफेक्टेड हम डिस्ट्रिक्ट्स कह रहे हैं, जहां कोई अभी केस किसी तरह का भी नहीं है, मोटे तौर पर इफेक्ट भी नहीं हुए। और हमारा लगातार प्रयास है कि जो रेड हॉटस्पॉट्स वाले डिस्ट्रिक्ट हैं अगर वहाँ पर 14 दिन तक कोई केस नहीं आता है तो हम उसको ऑरेंज में शिफ्ट कर देते हैं, और जब ऑरेंज वाला जो है, ये ऑरेंज वाले भी लगभग इस समय 297 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, आप सोचिए 297 के ऑरेंज में 297 ऑरेंज के, और ये यहाँ पे जब एक एक डिस्ट्रिक्ट में 14 दिन तक कोई केस नहीं आता तो ये ग्रीन में चले जाते हैं। तो ग्रेजुअली हम धीरे 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 करके हम बेहतरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और अगर कहीं कोई नया डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट भी होता है तो तुरंत हमारी उसके ऊपर भी निगाह है। ये जो 300 डिस्ट्रिक्ट जहाँ बीमारी नहीं है, कोशिश इस बात पे भी है कि यहाँ आज बीमारी नहीं है तो कल भी नहीं रहनी चाहिए, तो वहाँ पर भी एक्टिव सर्वेलेंस हम लोग कर रहे हैं। ILI के केसेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वगैरह, उनके लिए जो है सर्वे कर रहे हैं, और भी तमाम किस्म की जो भी जो एपिडेमियोलॉजी के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उसके, उनको अपना कर वो सारे काम हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ये चीज़ें जो है धीरे धीरे करके सुकड़ रही हैं, जहाँ बढ़ रही हैं वहाँ हम और ज़्यादा जिसे कहते हैं मजबूती के साथ उनको अटैक कर रहे हैं। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाता, देखिए अगर आप दुनिया के अंदर जो कुछ इस समय हो रहा है, कितने केसेस हुए, कितनी जो है अनफॉर्चुनेट दुर्घटनाएं हुई, क्योंकि इनका कंपैरिजन करना अच्छा नहीं लगता है कि किसी देश में इतनी मौतें हो गई हमारे यहाँ कम हुई हैं। मैं मानता हूँ एक भी मौत हुई है अगर देश में तो मेरे लिए वो कष्ट का विषय है, जिसके परिवार में हुई है उसके यहाँ 100% जो है उसके लिए वो त्रासदी है। इसलिए लेकिन दुनिया से जब कंपेयर करोगे तो भारत जो है दुनिया से हम मेरा ख्याल से बहुत गुना बेटर हैं हर तरीके से, और भगवान का हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमारे भारत के ऊपर जो है भारतवासियों के ऊपर उसने कृपा की है, और हम सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि हम दुनिया के लिए भी कामना करें और अपने देश के लोगों के लिए भी। देखिए एक इस प्रोग्राम में मैं आया हूँ तो डॉक्टर यतिन मेहता ये आए हैं, मैं इनके प्रेजेंस में इनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमारे इटली के 14 मरीज़ यहाँ पर आए जब सबसे पहले लौट में, तो ये था कि उनको हमें अच्छे किसी स्थान पे तुरंत भेजना था, तो हम लोगों ने उनको मेदांता के अंदर शिफ्ट किया, और इन्होंने बड़े कमिटमेंट के साथ वो 14 पेशेंट्स की, क्योंकि ये ICU और इन सब के इंचार्ज हैं, लगातार उन्होंने उनकी सेवा की। वो ज़्यादातर उसमें पेशेंट्स जो है बुज़ुर्ग लोग थे, 70 साल 75 साल 80 साल इस प्रकार की उम्र के थे। 14 में से 13 मरीजों को तो बिल्कुल ठीक करके घर भेज दिया, 14वीं जो लेडी थी वो भी 80 साल के करीब थी, उनके लिए भी इतना प्रयास किया। मैंने तो उनके साथ वीडियो के ऊपर इनकी मदद से होली के दिन जो है बातचीत भी की उन पेशेंट से, जो है जो जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे,
तो दैट वाज ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन जो प्राइवेट सेक्टर ने भी जो है जो मदद जहाँ जहाँ हो सकती है पूरा वो कोशिश कर रहा है प्राइवेट सेक्टर भी। देखिए मेरा ये कहना है कि जो हमारा कोरोना के कारण जो बिहेवियर में जो परिवर्तन हुआ है, जो हमें करना पड़ा है, जो हमें गाइडेंस मिली है, ये नेचुरल वे में जो रिफॉर्म्स हुए हैं ये आने वाले समय के लिए ये नेचुरल जो है ना न्यू नॉर्मल के रूप में विकसित होंगे और हमारे स्वास्थ्य के लिए, सोसाइटी के अंदर और आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें अगर हमने परमानेंटली अपने जीवन में आदत की तरह जो है इनको शामिल कर लिया तो इससे हमारा देश का बहुत भला होने वाला है। इसके ऊपर भी हम सब लोग ध्यान रखें, ये खाली जो अच्छी आदतें अभी हमको मिल रही हैं ये केवल इसको कोरोना तक ही सीमित ना रखें, इसको अपने जीवन के साथ बांध लें।